3 अक्टूबर 1890, ये वही पल है जहां पर जिस वक्त हमारे देश में अंग्रेजों ने अपनी हुकूमत और भी तेज कर दिया था। और उस वक्त उड़ीसा में, हिंदुस्तान के एक राज्य उड़ीसा में, एक महान व्यक्ति का जन्म हुआ। वो थे पद्मश्री लक्ष्मी नारायण साहू। बहुत लोग उनके बारे में नहीं जानते, लेकिन वो एक ऐसे इंसान थे जो आजादी के लिए लड़े और उसके साथ साथ हमारे देश के संविधान जब बनाया गया तो उस वक्त वो उड़ीसा, जो आज के उड़ीसा है, उस वक्त उत्कल था, उसको रिप्रेजेंट किया था। उड़ीसा के तरफ से वो गए थे और उनका जीवन का एक ही लक्ष्य था, इंसानों को सेवा करें, इंसानियत जगाएं। कहीं पर किसी भी व्यक्ति को अगर वो देखते थे कि वो तकलीफ में है, उसके शरीर में कोई भी घाव है, तो वो तुरंत उसका वहीं पर सेवा शुरू कर देते थे। लेप्रोसी बीमारी जिसे उड़िया में कुष्ठ रोग कहते हैं, उस बीमारी के लोगों के लिए उन्होंने आश्रम भी बनाए और उनके सेवा करते करते उनका जीवन बीत गया। उनका एक ही लक्ष्य था। वो पॉलिटिक्स में भी थे, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी बने, लेकिन उनका लक्ष्य कभी बदला नहीं। वो इंसानों को सेवा करने के लिए अपनी सारी जिंदगी बिता दी। उनके नाम से आज भी बहुत सारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, स्कूल और कॉलेजेस हैं। उनमें से एक है लक्ष्मी नारायण साहू महाविद्यालय, जो कि कटक शहर के जगतपुर में है। उनके जन्म दिवस के दिन, यानी 3 अक्टूबर के दिन, बहुत सारा बारिश हुआ, इसीलिए उनका जन्मदिन ठीक से मनाया नहीं जा सका। लेकिन हम कुछ प्लान बनाए थे। एलएनएस महाविद्यालय के कुछ छात्र छात्र और छात्रियों ने मिलकर कुछ बनाए थे प्लान, और उसी के दौरान 4 तारीख के दिन, जब आईएएस प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन हुआ हमारे एलएनएस महाविद्यालय में, तो जितने कैंडिडेट्स आए थे, परीक्षार्थी, उन सबको परीक्षा के बाद एक एक करके वृक्ष यानी प्लांट्स, छोटे छोटे पौधा उनको दिया गया, ताकि वो लेकर, वो सब भविष्य है हमारे देश के, आगे जाकर वो बहुत बड़े बड़े पोजीशन में रहेंगे, देश के सेवा करेंगे। इसीलिए उनको एक एक पौधा दिया गया, ताकि वो घर जाकर उसे लगाएं, उससे उससे उनका भी फायदा होगा, देश का भी फायदा होगा, सारा विश्व का भी फायदा होगा। क्योंकि आप सब जानते हैं कि आजकल हालात बहुत खराब है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है, दिक्कतें आ रही है सांस लेने में, चारों तरफ धुआं,